नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 1 से 3 के लिए 22 सप्ताह की गणित और भाषा शिक्षण योजना पर कार्य चल रहा है। इसी के अंतर्गत भाषा शिक्षण के 9वें व 18वें सप्ताह में बच्चों का शाब्दिक आकलन किया जाना है तथा शाब्दिक आकलन ट्रैकर को भरा जाना है। इसलिए आज की वीडियो में हम कक्षा 1 से 3 के बच्चों के शाब्दिक आकलन में ट्रैकर किस प्रकार टिप्पणियों के साथ भरा जाना है उदाहरण के साथ समझेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। साथियों, शाब्दिक आकलन ट्रैकर भरने से पहले आपको बच्चों का शाब्दिक आकलन करना होगा, जिसके लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं, जिससे शाब्दिक आकलन की पूरी प्रक्रिया से आप भली भांति परिचित हो जाएं। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब कक्षा 1 से 3 की कार्य पुस्तिका में आपको शाब्दिक आकलन प्रपत्र मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आपको बच्चों का आकलन करते हुए उन्हें अंक देने होंगे। उदाहरण के लिए कक्षा 2 के शाब्दिक आकलन प्रपत्र में 3 भाग दिए हुए हैं। पहला, वर्णों और अक्षरों को पढ़ें, जिसमें 20 वर्ण अक्षर दे रखे हैं। दूसरा, पढ़ें, इसमें 20 शब्द पढ़ने के लिए दे रखे हैं। और तीसरा, सुनकर लिखें, जिसमें 5 शब्द अध्यापक को बोलने हैं और बच्चे सुनकर उसे कॉपी में लिखेंगे। अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बाद बच्चों के कितने अंक आए उसे आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें, शाब्दिक आकलन कितने अंक का है इस पर कहीं भी कोई भी स्पष्ट मार्गदर्शन या निर्देश नहीं दिया गया है। अधिकतम अंक तय करने के लिए एक तरीका उदाहरण के लिए यह है कि कार्य पुस्तिका के शाब्दिक आकलन प्रपत्र के प्रश्नों के हिसाब से आप अधिकतम अंक तय कर सकते हैं। जैसे कक्षा 2 के लिए पहले प्रश्न के 20, दूसरे प्रश्न के भी 20 और तीसरे प्रश्न के लिए आप 5 अंक ले सकते हैं, तो कुल मिलाकर 45 अंक हो जाएंगे। या फिर आप इन 45 अंकों को अधिकतम 10 अंकों में कन्वर्ट करके बच्चों को अंक दे सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अन्य कोई भी तरीका ले सकते हैं। जो भी आप तरीका लें उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आगे अगर कोई स्पष्ट आदेश आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ऐसे ही आप कक्षा 1 और 3 के शाब्दिक आकलन प्रपत्र के हिसाब से अधिकतम अंक तय कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अधिकतम अंक में से बच्चों के कितने अंक आए उसके हिसाब से समूह का निर्धारण करना होगा। जैसे 50% या 50% से कम अंक वाले समूह 1 में आएंगे और 50% से अधिक अंक वाले समूह 2 में आएंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए 45 में से 22.5 अंक 50% अंक हैं। अगर किसी बच्चे के 22.5 अंक या इससे कम अंक आएंगे तो वह समूह 1 में आएगा। अब आकलन ट्रैकर में आप सबसे पहले जिला, ब्लॉक, स्कूल और कक्षा लिखने के बाद बच्चों के नाम लिख देंगे। अब डिकोडिंग वाले कॉलम में शाब्दिक आकलन प्रपत्र के अनुसार बच्चे के कितने अंक आए वह लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कक्षा 2 की लड़की राशि के 45 में से 20 अंक हैं, तो वह लड़की समूह 1 में आएगी और समूह 1 के बच्चों पर गोला लगा देंगे, जिससे इन समूह के बच्चों पर रेमिडियल कार्य किया जा सके। अब अगले कॉलम मौखिक भाषा विकास में जो लक्षित दक्षताएं कक्षा 1, 2 व 3 के लिए मैंने इस वीडियो में जो बताई हैं, अगर उन दक्षताओं को बच्चे प्राप्त कर रहे हैं तो उस बच्चे के सामने सही का निशान लगाएंगे और जो नहीं कर पा रहे हैं उनके सामने डैश का चिन्ह लगाना होगा, जिससे उन पर अलग से कार्य किया जा सके। अब सबसे आखिरी कॉलम टिप्पणी में आपको बच्चे से संबंधित कुछ जानकारी लिखनी है, जो भी आपने आकलन और अवलोकन कार्य करते समय पता लगाई हो। जैसे राशि लड़की के सामने टिप्पणी में संक्षेप में लिखा है मात्रा पहचान संबंधी समस्या, जिसका मतलब बच्चे को मात्रा पहचानने में कठिनाई हो रही है और आपको इसी समस्या पर रेमेडियल कार्य कराना है। ऐसे ही आप बाकी बच्चों का शाब्दिक आकलन करके ट्रैकर में भर सकते हैं और समूह के हिसाब से रेमेडियल और अभ्यास कार्य करा सकते हैं। आपकी सहायता के लिए एक स्पष्ट उदाहरण यहाँ पर दे रखा है। कोई भी परेशानी आने पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।